वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ SGOT या SGPT टेस्ट के बारे में, जो लीवर डिसऑर्डर के केसेस में करवाए जाते हैं। दोस्तों इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, AST और ALT के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों जो SGPT होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसअमीनेज, या जिसको ALT भी बोलते हैं, अलानिन अमीनोट्रांसफरेज के नाम से। उसी तरीके से SGOT का भी दूसरा नाम होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएसिटिक ट्रांसअमीनेज, या जिसको AST भी बोलते हैं, एस्पिरेट अमीनोट्रांसफरेज। दोस्तों SGOT SGPT जो टेस्ट है वो क्यों किया जाता है? तो ये जो होता है हेपेटाइटिस की कंडीशन में, मतलब आपके लीवर में सूजन होगी, या आपका लीवर में सिरोसिस मतलब लीवर की सेल्स डैमेज हो गई हैं, या फिर जो लीवर में आपका डैमेज हुआ है, स्वेलिंग है, वो किस वजह से, शराब के कारण हो सकती है या ड्रग्स के कारण भी हो सकती है, तो इस ड्रग्स मतलब मेडिसिन के कारण भी हो सकती है, तो इन सब के लिए पता किया जाता है। अगर आप मैं नटशेल में बात करूं तो लीवर डिसऑर्डर या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए SGOT SGPT टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी रेफरेंस रेंज मतलब जो आप टेस्ट करवाएंगे तो उसकी वैल्यूज इस तरीके की आएंगी, SGOT AST सीरम का जो लेवल होगा वो 5 यूनिट से लेकर 42 यूनिट पर लीटर हो सकता है नॉर्मल, और जो SGPT का लेवल जो होता है वो 6 से लेकर 55 यूनिट पर लीटर हो सकता है। दोस्तों अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा? दोस्तों इसका जो लेवल अगर बढ़ जाता है SGOT का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लीवर जो है ना डैमेज हो रहा है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो रही है, उसकी सेल्स खराब हो रही हैं, इसकी वजह से आपके शरीर के दूसरे पार्ट पे भी अफेक्ट पड़ सकता है लीवर की वजह से, मतलब हार्ट और किडनी पे भी असर पड़ सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर जो AST या SOT के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मतलब 10 गुना बढ़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक्यूट वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा होता है। मतलब SGPT का अगर लेवल बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा? SGPT का अगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लीवर सेल्स डैमेज हो सकती हैं। दोस्तों SGOT SGPT का लेवल जो होता है, दोनों का जो लेवल अगर बढ़ा हुआ, उसमें रेशियो अगर बहुत रेशियो में डबल का अंतर होता है, तो ये भी ये बताता है दोस्तों कि जो शराब के कारण ये ऐसा हो रहा है, मतलब एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में भी ये बताता है। आप अपने लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, लेवल को मतलब आप ALT के लेवल SGPT के लेवल कैसे कम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और अपने पाचन को बेस्ट बनाने के लिए आपको प्रोबायोटिक या कर्ड का इस्तेमाल करना है, शराब और धूम्रपान से बचना है, तथा अपना जो वजन है दोस्तों वो मेंटेन करके रखना है, हेल्दी आइडियल वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपको अपना वजन मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लीवर खराब होने वाला है, तो उसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे आंखें और त्वचा का रंग पीलिया का होना मतलब पीला रंग का होना, या जिसको पीलिया होना कहते हैं, पेट दर्द या सूजन होना, पैरों के टखनों में सूजन होना, पैरों के साथ साथ में टखनों में भी सूजन होना, स्किन में खुजली या इरिटेशन महसूस होना, आपका जो पेशाब का रंग है उसका डार्क कलर हो जाना, और उसके साथ साथ में जो आपका टॉयलेट का रंग है उसका वो भी डार्क हो जाना, उसके साथ में ब्लड आना, और उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा थकावन या थकावट महसूस होना, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ में उल्टी और मितली जो होते हैं वो भी इनिशियल सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। आप अपने जिगर को लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? आपको बहुत सारी सब्जियाँ खानी है दोस्तों, स्पेशली क्या करना है, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आपको जो खट्टे चीज़ें हैं जैसे अंगूर नींबू संतरे उनको भी खाना है दोस्तों, और कॉफ़ी भी आपके लिए मदद करेगी, कॉफ़ी का आप सेवन कर सकते हैं जितना अधिक हो सके। दोस्तों आपको वेजिटेरियन डाइट लेनी है दोस्तों, और ओमेगा 3 से अगर आपको नॉनवेज लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 से जो भरपूर जो मछली होती है उसका इस्तेमाल करें, साथ साथ में नट्स और जो अच्छे तेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, ज़्यादा ऐसे तेलों का इस्तेमाल ना करें जिनका बहुत बार यूज़ हो चुका है, रीयूज तेल का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। उसके साथ में आप जो सोया पनीर होता है जिसको टोफू बोलते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें दोस्तों। उसके साथ में आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकॉन दबाएं सो दैट मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो दोस्तों।